मैट्रिक्स स्पेसिफिकली आपको पता है क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स दैट अरेंज्ड इनटू रोस एंड कॉलम्स। जैसे रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये जो दो ब्रैकेट्स नजर आ रही है आपको, इनके दरमियान में जो हम लिखते हैं इनको एलिमेंट्स कहते हैं। और रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स गेट अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम। और इसके मैट्रिक्स को, इनके ऑर्डर्स को हम कैसे लिखते हैं? पहले ये ऑर्डर्स की बात करते हैं कि मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होते हैं उसे किस तरह लिखते हैं। तो मैट्रिक्स को हम रोज और काउंट, जब काउंट करते हैं तो रोज पहले काउंट करते हैं और फिर कॉलम काउंट करते हैं। इसके ऑर्डर लिखने के लिए फर्स्ट काउंट करेंगे आप, रोज गिनेंगे फिर कॉलम गिनेंगे। जैसे इस मैट्रिक्स में आप देखें तो रोज कितनी है ये देखें, एक दो तीन, थ्री रोज है इसमें, बाय कॉलम वन टू एंड थ्री, थ्री कॉलम्स हैं। तो इस हिसाब से इसके एलिमेंट्स नाइन होने चाहिए, नाइन। सो इसका ऑर्डर्स काउंट करने का तरीका क्या होता है? रोज बाय कॉलम, आर को डिनोट किया रोज से और सी को कॉलम से। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं थ्री क्रॉस थ्री को नाइन, इसमें मतलब करता है कि हमारे एलिमेंट्स नाइन होने चाहिए। अब हम काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, बट नाइन एलिमेंट्स है। यहाँ से आप इसकी तादाद का बता सकते हैं कि आपके जो मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ये तो फर्स्ट का ऑर्डरिंग था, इसके आगे हम कैसे लिखते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे एक हमारी स्क्वायर होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? इनकी जो होता है डेफिनेशन जिसमें होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। रोज पहले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको इसका तरीका याद, जो ऑर्डर्स काउंट करने के लिए पहले रोज काउंट करते हैं नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स का ये होता है। जैसे हमने एक मैट्रिक्स बनाया हुआ ना, इसमें थ्री रोज है एंड थ्री कॉलम है, तो ऑर्डर क्या बनता है? थ्री क्रॉस थ्री, थ्री एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे अब ये तो था इसमें थ्री रोज थ्री कॉलम, याद में इसमें टू रोज एंड टू कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? टू क्रॉस टू, तो इसके एलिमेंट्स फोर है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक है। इसके अलावा हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर टू पे हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको सारे टाइप्स बता दूं कि कोई मिस हो जाए तो मुझे बता दीजिए। मैट्रिक्स
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है पहचान, इसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते, जिसमें इक्वल हो वो स्क्वायर, जिसमें इक्वल ना हो, इक्वल ना होने का मतलब अच्छा आपने इसकी ये फिगर नहीं देखना क्या लिखा है, आपने इनकी तादाद देखनी, जस्ट नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिख रही हूँ 2, 3, 4 माइनस 1, 0 एंड 4, ये मैं डिफरेंट मैट्रिक्स लिखा मैट्रिक्स लिखा, इसमें आप देखें रोज ये होती है रोज, तो जो जो है ये रोज, रोज इसमें दो है हमारे पास तो ऑर्डर बनेगा 2, और जो कॉलम है वो 3 है हमारे पास क्लास 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। और इसके एलिमेंट्स भी देख लेते हैं कितने हैं, 6 एलिमेंट्स मिलते हैं, तो ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की पहचान। इसके अलावा हम मैट्रिक्स देखते हैं रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, तो जो रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स इसकी पहचान क्या है, मैट्रिक जो जस्ट जिसमें एक रो होती है दैट हैव वन रो, कॉलम कितने भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अ मैट्रिक्स विद ओनली वन रो, ये रो होती है तो इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। और इसी तरह हम साथ ही कॉलम मैट्रिक्स भी लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या पहचान होती है, कॉलम मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें तो वन रो की कॉलम हो, ठीक है, अब यहाँ जो मैं लिख रही हूँ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
था, एक कॉलम है जो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। रो मैट्रिक्स में एक रो होती है और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है, तो ये एंट्री छोटे से पहचानते हैं रो और कॉलम मैट्रिक्स की। इसके अलावा हम पढ़ते हैं रो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मुझे बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इनका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान क्या है, जैसे एक मैंने मैट्रिक्स बनाया ना, हर मैट्रिक्स में जो डायगोनल मेन डायगोनल होते हैं ना उनको, ये इनका तरीका होता है देखने का, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, ये देखते हैं इसको मेन डायगोनल कहते हैं। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उनकी पहचान ये होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट ऑफ दोस जो इन मेन डायगोनल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इसमें देखें फोर रोज है और फोर ही कॉलम है, ये हमारे पास बनता है ऑर्डर फोर क्रॉस फोर, तो ये साबित करता है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल्स हैं वन ये एट फाइव टू एंड नाइन, इनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स के लाएगा। इसको डायगोनल कहते ही इसलिए है क्योंकि इसमें मेन डायगोनल के अलावा बाकी सब जीरो होते हैं। मेन डायगोनल मेन डायगोनल्स के अलावा बाकी जो सब एलिमेंट्स जीरो होते हैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल भी कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया, नेक्स्ट हम टॉपिक है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स को यही समझ लेते हैं, आर स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर आर द डायगोनल एलिमेंट्स आर
स्पीकर, जैसे अब ये मैट्रिक डायगनल है तो इसमें मेन डायगनल की जगह कोई भी फिगर आ गया है, इसके अलावा जीरो है, लेकिन जो स्केलर होता है उसको किसी में से देख लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें मेन डायगनल फर्स्ट मेन डायगनल है तो उसको हम टू रख लेते हैं। तो इसमें बाकी सब तो डायगनल्स की तरह जीरो है एलिमेंट, और जो मेन डायगनल है टू टू और टू रखा है, यानी कि ये सेम है, तो ये स्केलर होता है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं मेन डायगनल्स के वो इक्वल होते हैं, वो टू 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 है, फोर 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 है, तो ये इस तरह से आ रहे, ये इक्वल होते हैं स्केलर में। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं अब क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के नाम सबको समझ आ चुकी है, नल आर जीरो, इसके दो नाम होते हैं, नल भी कहते हैं, जीरो भी कहते हैं मैट्रिक्स। तो इसकी निशानी क्या होती है, इसके बीच में जो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब जीरो होते हैं। अब यहाँ से मैं इसकी एक और चीज बता देती हूँ, एक तो ये सब जीरो होते हैं, तो जो सब जीरो हो डायगनल इनको कहते हैं नल या जीरो डायगनल्स। और इसके अलावा इसको हम सिंगुलर भी कहते हैं, सिंगुलर डायगनल भी कहते हैं, सिंस इट हैज It does not have an inverse on and its determinant is zero. क्योंकि जब determinant zero आ जाता है तो जिस determinant zero होता है वो कोई inverse नहीं रखता, और जो singular matrix होता है उसकी भी पहचान यही होता है कि उसका determinant zero आ जाता है। तो मतलब जो null matrix है इसमें सब elements zero zero है, तो ये singular matrix भी कहलाएगा, और इससे कोई इनवर्स भी नहीं होता, उसके डिटरमिनेंट भी जीरो होता है, तो ये सिंगुलर भी है। और जो डिटरमिनेंट जिनके मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं डिटरमिनेंट होता है वो जीरो नहीं आता, वो डिफरेंट जीरो से आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिटरमिनेंट आता है ए मॉड एन मॉड डिटरमिनेंट, तो हमारे पास 10 आ जाता है, 10 नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये नॉन सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की पहचान क्या है, जिसका आंसर जीरो आ जाए, फॉर एग्जांपल ए मॉड इज इक्वल टू जीरो आ जाए, तो ये सिंगुलर होता है, और अगर जीरो के इक्वल ना आए, जीरो से डिफरेंट कुछ भी आ जाए तो भी नॉन सिंगुलर होता है। उसके बाद है आइडेंटिटी, नेगेटिव मैट्रिक्स भी आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें जो मेन डायगनल्स होते हैं वो वन होते हैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है, तो इसमें मेन डायगनल्स के अलावा बाकी सब जीरो जीरो होते हैं, मेन डायगनल वन होता है। जिसमें भी मेन डायगनल वन आ जाए बाकी सब जीरो जीरो आते हैं, तो ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, इसको आप जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इससे डिनोट करते हैं। हाँ जी, एक इक्वालिटी मैट्रिक्स होता है हमारा, ये ए टू है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसे एक मैट्रिक्स भी कहते हैं, इक्वालिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसकी क्या पहचान होती है, दो मैट्रिक्स हम लेते हैं, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं विद सेम ऑर्डर, तो उसे हम इक्वल
मैट्रिक्स कहते हैं या इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, जिससे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें पी हम रख लेते हैं 2, 6, 1, 0, 5 एंड 3 हमने पी ले लिया, हम भी लेना जी 2, 6, 1, 0, 5, 3। अभी देखें इसमें ऑर्डर्स भी सेम है, फिगर्स भी सेम है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो उनकी डिमेंशन या ऑर्डर पर है, जो उनके ऑर्डर सेम है तो ये एक इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो पी एंड क्यू आर इक्वल, ये इक्वालिटी की छोटी सी हमने सिंपल सी एग्जांपल दी है। तो अब अगर इन क्या ऑर्डर चेंज होती है, देखिए ऑर्डर क्या होता है, इसमें टू रोज है और थ्री कॉलम है, और इसमें भी टू रोज है और थ्री कॉलम है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अगर ये सेम हो तो आपका मैट्रिक्स जो है वो इक्वालिटी में शो करता है, वो इक्वल होता है, लेकिन अगर पी जो है वो कुछ इस तरह से होता है। अब एलिमेंट्स तो बेशक सेम है लेकिन इनके ऑर्डर डिफरेंट हो जाते हैं, 2, 6, 1, 0, 5, 3। अब देखें ये एक जो है उसमें हम 3 रोज लिखी है और 2 कॉलम लिखे हैं, दूसरे में हमने 2 रोज लिखी है और 3 कॉलम लिखे हैं, तो ये दो डिफरेंट ऑर्डर है, ये शो करते हैं कि ये इक्वालिटी और मैट्रिक्स नहीं है, ये इक्वल नहीं है। अगर ये ऑर्डर सेम होते तो ये इक्वालिटी को शो करते। जो इक्वालिटी वाले मैट्रिक्स होते हैं ना, ये आमतौर पर वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए यूज होते हैं। वेरिएबल को फाइंड करने का एक आसान सा क्वेश्चन लिखते हैं जो हमें इक्वल किसी हमारे सॉल्व हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक है, मैट्रिक्स हमारे पास है एक्स प्लस 3 माइनस 1 4 एंड 5। इक्वल टू 6 by 3 minus 3 and 5। तो आप ये देखें ये एक इक्वल मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, क्योंकि इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो एंड 2 कॉलम है, जो ऑर्डर सेम हो उसे इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब इस मैट्रिक्स से हम इन वेरिएबल की x, y और z वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हम x, y और z की वैल्यू निकालेंगे इसमें से, जैसे x प्लस z इज इक्वल टू, क्या तरीका होता है मैट्रिक्स को जब हम इक्वेशन में लिखना होता है तो ये इक्वल का साइन शो करता है कि ये दोनों इक्वल है। अब ये x प्लस 3 है ना, तो जो फर्स्ट होता है वो हमेशा फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड सेकंड इक्वल होता है, थर्ड थर्ड इक्वल होता है एंड फोर्थ फोर्थ के। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट x प्लस 3 इज इक्वल, तो हम यहाँ पे प्लस 6 लिखेंगे। इसके अलावा अगर ये माइनस 1 और ये y है, आपकी मर्जी, आप इस साइड पे से मर्जी लिख लें, चलो मैं इसी तरह लिख लेती हूँ, माइनस 1 इज इक्वल टू y, माइनस 1 तो सेकंड पे, मैं सेकंड पे लिखा। अब नेक्स्ट ये वाला है तो हमें z जो है वो सेकंड रो में फर्स्ट नंबर पे है, z माइनस 3, तो इसके इक्वल जो 4 आता है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे 4 इक्वल टू z माइनस 3। तो इस तरह से वेरिएबल की जो वैल्यूज निकालते हैं वो इक्वालिटी वाले जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए होते हैं हम उनमें को यूज करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज कम आ रही है या फिर पहले मैसेज तो मैंने भी देखा है? नो मैम, सही आ रही है। ओके, आपको समझ आ रही है अभी इसकी इक्वालिटी वाली की? मैं भी आपको साथ से एग्जांपल्स सॉल्व करवाऊंगी। जी मैम, समझ में आ गया है सारा। ठीक है, अभी हम जस्ट इनकी टाइप्स की इंट्रोडक्शन में हैं। तो हमारे 9 टाइप्स हो गई हैं,
अभी पहले हम टास्क फोर्स देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको स्मिटर्स समझाऊंगी, क्योंकि ये टास्क फोर्स से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी इक्वालिटी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आप स्मिटर्स के हवाले से। पहले हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देखते हैं। ट्रांसपोज जैसा आपको पता है इसका मतलब होता है जो रोज अपने कॉलम में चेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज आर मैट्रिक्स, तो इसको हम लिखते हैं, हम एक जो मैट्रिक्स लिखते हैं डेफिनेशन पर जो कंसेप्ट होते हैं जस्ट फार्मूला को एक्सप्लेन कर देते हैं, डेफिनेशन ज्यादा अलग से याद करने की जरूरत नहीं। मान के मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, इसमें ऑर्डर्स जो है टू रोज है एंड थ्री कॉलम है, तो इसको ऑर्डर बनता है। जैसे कि मैं आप लोगों को याद रख रहे हैं इसकी बात ऑर्डर कर सकती हूँ, टू क्रॉस थ्री इसके अकॉर्डिंग टू रोज है हमारे, थ्री कॉलम के सिक्स एलिमेंट्स बनते हैं, तो सिक्स है। अब इसके हम ट्रांसपोज लेते हैं, सिंपली ए ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज को कॉलम में जस्ट लिखते हैं, फर्स्ट रो वन टू थ्री, सेकेंड रो फोर फाइव एंड सिक्स। तो रोज को कॉलम में चेंज करने के प्रोसेस को इसे ट्रांसपोज कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसी के साथ हम स्मिटर और स्मिटर कर सकते हैं। स्मिट्रिक मैट्रिक्स, अब इसके लिए एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, फिर इसका हम ट्रांसपोज लेके एक्सप्लेन करेंगे स्मिट्रिक क्या होता है। फोर टू जीरो टू माइनस थ्री वन वन जीरो वन एंड फाइव। अब अगर आप बी का ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज करती हैं रोज को कॉलम में चेंज कर देती हैं, इसलिए रो है फोर टू एंड जीरो को हम कॉलम में लिखेंगे। टू माइनस थ्री एंड वन, टू माइनस थ्री वन, नेक्स्ट है जीरो वन एंड फाइव। ये हमने बी का ट्रांसपोज लिया। अब अगर ट्रांसपोज लेने के बाद जो B ट्रांसपोज है वो B के इक्वल आ जाए तो इसे सिमेट्रिक कहते हैं। अब B के में हमारे पास 4, 2 एंड 0 था, तो 2 माइनस 3 वन 0 वन 5। जब हमने B का ट्रांसपोज लिया, हमने रो कॉलम में चेंज तो किया 4, 2, 0, लेकिन फिर भी देखें 4, 2, 0, 4, 2, 0, ये दोनों इसके एलिमेंट्स देखें सेम है, बिल्कुल इक्वल है। ऑर्डर के ऑर्डर तो इक्वल होंगे क्योंकि जो सिमेट्रिक को सिमेट्रिक होते हैं ना, हम स्क्वायर मैट्रिक्स को चेक करते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रो एंड कॉलम के तदाद इक्वल है, तभी हम इनका जो सिमेट्रिक सॉरी सिमेट्रिक बन सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, देन उसके आंसर को कंपेयर करते हैं जो हमारे पास गिवन वैल्यू होती है उससे। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम हो, यानी कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हो, तो इसका मतलब है B is a symmetric। So B is a symmetric matrix। तो अगर ये इक्वल है तो ये symmetric है, नहीं है तो ये symmetric नहीं है। अब हम साथ इसकी दूसरी जो फॉर्म है जिसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, जिसको एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं, वो देख लेते हैं। ये टॉपिक हमारे यहाँ पे फिलहाल नेक्स्ट सारे हम स्क्यू सिमेट्रिक देखते हैं, उसको भी ट्रांसपोज से ही सॉल्व करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
तो इसका इसको एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं, और इसका रोल होता है कि अगर ट्रांसपोज लिया जाए एक आपस मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज लेती है वो दूसरे के नेगेटिव, तो वो उसकी नेगेटिव इक्वल होता है माइनस, उसे नेगेटिव मिलता है। अब इसमें आपके जो ऑर्डर्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो तो सेम होंगे लेकिन वैल्यू सब नेगेटिव की आ जाएगी, उसको वो नेगेटिव में चेंज कर देगा, तो ये स्क्यूज मैट्रिक होते हैं। हम इसके एग्जाम्पल एक मैट्रिक को सॉल्व करके देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक वैल्यू लिख रही हूँ, बी इज इक्वल टू, हम ये लिखते हैं 0, -4, and 1, 4, 0, and -3, -1, 3, 0. यह है स्क्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक। अब इसको जब हम ट्रांसपोज लेते हैं इसका तो वो क्या होता है, बी का ट्रांसपोज लें, इसका ट्रांसपोज होगा रोज को काले में चेंज करेंगे 0, -4, and 1, नेक्स्ट है 4, 0, and -3, 4, 0, -3, -1, 3, and 0, -1, 3, and 0। अब ये देखिए ये मैट्रिक्स के जो इसके बीच में जो एलिमेंट्स हैं 0 भी है, 4 भी है, 1 भी है, 4, 0, 3, 1, 3, 0, लेकिन साइन चेंज है। अब इसको स्क्यू माइनस लिखकर क्या होता है, आप पहले इसमें से माइनस कॉमन लेके देखें, जब वो कॉमन चीज मैट्रिक्स से बनेगा तो उसे माइनस वन से शो करती है, माइनस वन कॉमन ले रही, 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 तक माइनस हो जाएगा। माइनस का कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हम एक दफा इसके अंदर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो चेंज कर देता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा तो माइनस इस तरह से कॉमन लिया जाता है। 4 है तो ये -4 हो जाएगा, -1 है तो ये +1 हो जाएगा, -4 है तो जस्ट 4 आ जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं 0, और ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये सिंपल 1 है तो ये -1 हो जाएगा, -3 है तो ये 3 आ जाएगा, 0 ऐसे आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक है अब देखें ये और बी सेम हो गया दोनों, तो ये हम इसको इस तरह लिख लेंगे -1b या फिर माइनस, स्पाइक ऑफ था। अच्छा मैं इसको बता रही थी, ओके अगेंस्ट एक्सप्लेन करती हूँ, मेरा माइक ऑफ था मुझे। जी हम स्क्यू सिमेट्री की बात कर रहे थे कि ये माइनस वन जब हमने इसको सॉल्व किया बी का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये आंसर बना, इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया या माइनस को समझने के मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया लेकिन कॉमन ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो कॉमन का मतलब क्या होता है, जब आप माइनस पार्ट निकालती है ना तो वो होल से अंदर मल्टीप्लाई होती है चीज़, उसमें जो जो हो वो बाहर आ जाती है। अब यहाँ पे जस्ट 4 था तो कॉमन लेने के बाद ये माइनस 4 हो गया और जो नेगेटिव मान था वो पॉजिटिव 1 हो गया। ये माइनस काम लेने का तरीका ये होता है, इसको होल से देखो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, साइन चेंज करते हैं पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। तो हमने जब माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आई जो कि बिल्कुल बी के इक्वल थी। तो जब ये दोनों वैल्यू इक्वल थी हम इसकी जगह बी लगाए ये शो करने के लिए कि यहाँ तो बी के इक्वल आ गया, और माइनस वन बी लगाए या माइनस बी कोई इफेक्ट नहीं होता, मैं माइनस बी लगाया ये प्रूव बताने के लिए कि तुम्हारा क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी है तो ये शो करता है कि बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप किसी भी चीज का ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या फर्क होता है कि सिमेट्रिक वैल्यूज में जो आप जब भी किसी भी मैट्रिक्स का फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, तो ये स्क्यू ये सॉरी ये सिमेट्रिक होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है जब ट्रांसपोज देते हैं तो वो उसके नेगेटिव इक्वल आता है, फॉर एग्जाम्पल आप ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो उसकी वैल्यूज का जो आंसर है वो माइनस ए के इक्वल आएगा,
उसे नेगेटिव कर देगा, तो इससे स्क्यू सिमेट्रिक भी कहते हैं और एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं। तो बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस बी इक्वल आएगा, ए का लेंगे तो वो माइनस ए इक्वल आएगा, तो ये फॉर्म होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिटर्मिनेंट टू क्रॉस टू से सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम थ्री क्रॉस थ्री देखते हैं। टू क्रॉस टू मैट्रिक्स, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं क्योंकि इसका एक फार्मूला भी होता है, तो मैं उसकी फॉर्म में लिख देती हूँ, एक दफा एबीसी की फॉर्म में, फिर क्वेश्चन से सॉल्व कर देती हैं जस्ट आप लोग के लिए। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया जो डिटर्मिनेंट होती है उसकी फॉर्म में शो करने के लिए हम इसको मॉड में लिखते हैं, इसको मॉडुलस में या मॉड में लिखते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय इनक्लोजिंग इट्स स्क्वायर अरे बिटवीन वर्टिकल बार्स इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स, जस्ट लाइक दैट, ए बी सी डी, इनको कहते हैं वर्टिकल बार्स भी, बार भी, इसके डिफरेंट नेम है, जस्ट बार्स भी कह सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को इस तरह शो किया जाता है। और इसका सोल्यूशन का तरीका क्या होता है, जब टू क्रॉस टू मैट्रिक्स हमारे पास होता है तो डिटर्मिनेंट जो होती है उसको क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं प्रोसेस को। ए और डी को बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट इसे फाइंड होगा। ए एंड डी मल्टीप्लाई होंगे माइनस, जी हाँ माइनस बी एंड सी होंगे। सो तो इसमें तो जस्ट हमें पता है हमें माइनस का साइन यूज करना है, तो जब हम वो वाला करेंगे थ्री क्रॉस थ्री थोड़ा चेंज आएगा, वहां पर हम यहाँ स्टार्ट करते हैं ए डी माइनस बी सी। तो हम अब इसको एक क्वेश्चन से हल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम बी ले लेते हैं, वन फोर टू एट कुछ लिख लिया। अब एक दफा फिर देख लें, इसको हम वर्टिकल बार्स में शो करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वन एंड एट को आप बेशक डायरेक्ट लिख लें मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सो एट माइनस एट, फोर टू टाइम एट होता है, तो ये हो गया एट माइनस एट जीरो, जी हाँ जीरो। तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आया वो कौन से वाला होता है मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, खूब सिंगुलर होता है। तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स भी है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो आ गया है, तो ये डिटर्मिनेंट टू क्रॉस टू हमने फाइंड किया। अब हम करते हैं डिटर्मिनेंट को थ्री क्रॉस थ्री से, अभी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन एक दफा रिपीट दोबारा करूंगी मैं, क्योंकि मुझे लगता है मल्टीप्लीकेशन काफी दोबारा करने की जरूरत शायद है। पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, फिर हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, देन फिर क्वेश्चन सिंपल सॉल्व करेंगे जस्ट प्रैक्टिस के लिए, फिर हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, अब हमने डिटर्मिनेंट करना है थ्री क्रॉस थ्री, आंसर इनवर्स भी है अभी। पहले हम डिटर्मिनेंट थ्री क्रॉस थ्री कर लें, क्या हमारे पास थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है वो हम लिखते हैं, यानी इसमें थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स होने चाहिए हमारे पास,
छोटे छोटे फिगर लिखने की कोशिश की। ठीक है, हम इसको ये हमने लेट कर लिया है सी। अब इसका हम टर्मिनेंट निकालते हैं, तो इसको चाहे इसको एक्सपेंड करने के डिटर्मिनेंट निकालने के तरीके डिफरेंट होते हैं। जैसे जब थ्री हमारे पास एक थ्री आता है तो इसको हम डिटर्मिनेंट लेने के लिए किसी न किसी एक रो को चूज करके फिर हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम इसको लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग बाय आर वन। आर वन जो है वो फर्स्ट रो को शो करता है। पहले हम इसको मॉड में लिख लेते हैं, फिर हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय आर वन। यानी आपकी मर्जी है आप इसको फर्स्ट रो से करें, सेकंड से करें या थर्ड से करें। पहले इसको हम मॉड में लिख लेंगे, फिर हम एक्सपेंड करेंगे इसको रो वन। हमने फर्स्ट रो ले लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से टू लेते हैं, हम एक फिगर टू लेते हैं। तो यहाँ हमने ब्रैकेट लगाई है। जब भी आप कोई एक फिगर चूज करते हैं डिटर्मिनेंट लेने के लिए तो उस लाइन में वो जिस लाइन में होता है यानी जिस रो में और जिस कॉलम में वो फिगर आएगा उसको छोड़ के बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचती है उसका हम बाय क्लास ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसको अब हमारे पास टू लिया हमने, तो इसकी रो और इसके कॉलम को नहीं लेना, इसके अलावा जो बचेंगे उसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है बाय क्लास। टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री, थ्री को फोर से। अब नेक्स्ट कौन सा यूज करेंगे? फोर वाला। यस, ओके, ठीक है, हम फोर वाला यूज कर रहे हैं। अभी आपने इस साइन पे भी थोड़ा सा वर्क करना है, कैसे चेंज करना है। पहले माइनस फोर लिखा, आपको नजर से क्या आ रहा है? तो फोर इस लाइन में आता है, पहले ये इसकी रो और इसका कॉलम, इसको छोड़ देना, बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी उनको बाय क्लास मल्टीप्लाई करना है। वन और टू को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री एंड फाइव को करेंगे, सिक्स और नो थ्री एंड फाइव, क्योंकि फोर इस रो में है, सो इसको नहीं छेड़ेंगे। जी जी, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट हम साइन यूज कर रहे हैं प्लस का, क्योंकि डिटरमिनेंट लेते हुए मैम। हाँ जी 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 मैम, स्टार्टिंग में क्यों नहीं हम लोग प्लस मतलब लगा सकते? स्टार्टिंग में यहाँ पे प्लस नहीं लगा सकते? जी जी, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, हमने स्टार्टिंग में प्लस नहीं लगाया हुआ, ये पहली वैल्यू है ना, तो ये पॉजिटिव है ना, सो जी ये पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव हमने नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास सिक्स है, हमने ये नीचे में लिख दी, क्या जगह नीचे लिख दो या फिर आगे लिख दो, आपको कंफ्यूजन ना हो तो दूसरा कुछ लिखा लिख दो। प्लस हम सिक्स ले रहे हैं इनटू सिक्स, जब हमने लिया तो ये देखिए इस रो को सॉरी इस कॉलम को इस रो को हमने छोड़ देने, इसके अलावा जो वैल्यू जो एलिमेंट्स हमारे पास बचती हैं वन टू फाइव एंड फोर, जस्ट इनको लिख लेना, वन एंड फोर को टू एंड फाइव को,
1 and 4 minus 2 and 5. अब इनको हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिंपल प्रोसेस हमारा है वो करेंगे, इसलिए हम सिंप्लीफिकेशन में यहाँ स्टार्ट करते हैं. 2 ऐसे ही आ जाएगा पहले, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 माइनस 12 माइनस 4 इंटू 12 ओके 2 15 माइनस 15 प्लस 6 इंटू प्लस 6 4 माइनस 10 अब है 2. अब 4 माइनस 12 है, 4 पॉजिटिव है 12 नेगेटिव, माइनस 8 होगा. हाँ जी माइनस 8 होगा. ऑपरेशन जो है वो भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, बड़ी वैल्यू का है ना. जी हाँ माइनस 4 इंटू माइनस 13 माइनस 13 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 7 सॉरी 6 ये 10 है. अच्छा ये 4 है. हाँ जी आपको नहीं नहीं ये 4 है ना इसके साथ. हाँ जी मुझे लगा 11 है. नहीं नहीं 4 ठीक है. तो ये माइनस 6 होगा जी. अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 एंड 8 को, क्योंकि ब्रैकेट शो कर रही है कि 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा. माइनस 16 यस. और ये माइनस और ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा. प्लस बड़ी वैल्यू को देखते. अब है प्लस, नेक्स्ट है 6 और ये माइनस है तो माइनस होता है माइनस 36. मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ प्लस लगाते हैं, माइनस आना था, तो आप नेक्स्ट वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लेंगे. देन हम इसका स्केयर ब्रैकेट खत्म करेंगे तो फिर हम माइनस वैल्यू निकाल लेंगे. माइनस और प्लस माइनस 36 मल्टीप्लाई होगा. सो अब इसको सिंपलीफाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है भैया क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन. यस मैम. डिटरमिनेंट लिया है 3×3 का. जब यूज हम लेते हैं तो हम इसमें इसको सी एक रो से एक्सपेंड करना होता है. आप फर्स्ट मैंने फर्स्ट रो से लिया, आप चाहे तो सेकंड से करें या चाहे थर्ड से करें, इसका आंसर सेम आना चाहिए. ठीक है अब अगर इसको सेकंड रो से करते हैं ना, सेकंड रो से, तो उसका फिर कहीं होगा कि आप 1 लेंगे तो 1 जिस कॉलम में और जिस रो में आएगा उसको छोड़ के बाकी को आप ले लेंगे. तो जिस भी रो से करें ये आपके ऊपर. तो बाज का तुमने क्वेश्चन में दिया होता है कि एक्सपेंड करें फर्स्ट रो से या सेकेंड या थर्ड से, अगर मेंशन किया हो तो आप वो ले लें, अगर मेंशन ना किया हो तो फिर अपनी मर्जी से कोई भी रो सेलेक्ट कर लीजिए. मैंने फर्स्ट रो सेलेक्ट की थी तो फर्स्ट रो से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया. लेकिन आप इसको किसी भी रो से करेंगे ना, फर्स्ट से सेकंड से या थर्ड से, तो इसका आंसर यही आएगा, इसका आंसर सेम आता है. डिटरमिनेंट हो गया. इसके बाद हमारा अभी एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स भी है. तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए कर लेते हैं फिर ए इनवर्स लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो उसमें दोनों चीजें आती हैं एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की. अब है एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी हम दोनों तरफ देखते हैं. पहले हम एडजॉइंट ऑफ 2×2 मैट्रिक्स का देख लेते हैं.
adjoint our two class two matrix. इसका रूल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स हम लेते हैं ए बी सी डी, ये हमने लेट किया है एक वेरिएबल, जिसको हम लेट करते हैं एक मैट्रिक्स को, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में ए बी या सी डी, ये मैट्रिक्स हो गया। इसका हमने एडजॉइंट लेना, तो एडजॉइंट का रूल क्या होता है कि जो फर्स्ट टू वैल्यूज होती हैं उनकी आप प्लेस चेंज करती हैं और सेकेंड टू के साइन चेंज करती हैं क्रॉस में, ठीक है, बाय क्रॉस। जैसे अब मैं एडजॉइंट, एडजॉइंट को आप इससे शो करते हैं ए डी जे जस्ट लिख के, और एडजॉइंट ऑफ ए है तो आप जस्ट यू लिख देंगे। तो अब इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो इसमें दो वैल्यू, जो फर्स्ट टू का मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसकी और ये फोर्थ वैल्यू, क्योंकि हमने क्रॉस में प्रोसेस करना होता है, इसमें भी जो सब डिटरमिनेंट हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं ना सेम, इसमें ए और डी की हम जगह चेंज करेंगे तो डी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, और जो बाकी दो वैल्यूज थी उनके साइन चेंज करेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। अब एक एग्जांपल और देख लें कि अगर हमारे पास 1, 3, -4 और 5 होता तो इसका एडजॉइंट लेने का तरीका ये था, इसका एडजॉइंट हम निकालते, इसको मैं बी का नाम दे रही हूँ एडजॉइंट ऑफ बी, इसकी और इसकी तो प्लेस चेंज हो जाएगी 5 और 1, और जो नेक्स्ट दो होंगी वैल्यूज फर्स्ट की प्लेस चेंज करते हैं और सेकंड का साइन, सेकंड ये है तो ये 3 और 4, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये 4 पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव 4 रह जाएगा यहाँ पे, सो इनकी साइन चेंज करते हैं तो ये एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ बी का जो रूल है। एडजॉइंट इस तरह से निकालते हैं,